स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम जा रहे हैं द्वारका के पास मगदेरू मंदिर है जो एशियन टेंपल है। द्वारका नागेश्वर रोड पे नागेश्वर से पहले रासनवेल गांव आता है, वहां से थोड़ा राइट साइड अंदर जाएंगे तो ये मंदिर मिलेगा। ये मंदिर 8वीं शताब्दी का माना जाता है और मैत्रका पीरियड का 8वीं शताब्दी मैत्रका पीरियड का ये मंदिर है। हम रासनवेल गांव से राइट साइड नीचे उतर के थोड़ा एक आध किलोमीटर के करीब ही ये मंदिर है। पक्का रास्ता है वहां पर, थोड़ा बस आगे जाके लेफ्ट साइड में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लेफ्ट साइड बस वो मंदिर सामने ही आपको सामने ही देखने को मिलेगा। ये मंदिर 8वीं शताब्दी का मंदिर है और ये मंदिर का स्टाइल जो बोलते हैं वो नगारा स्टाइल मंदिर बोलते हैं, जिसमें 7 पूजा स्थल होते हैं। हम मंदिर के अंदर, ये मेन एंट्रेंस है, अंदर जाते हैं। ये नगारा स्टाइल इस तरह से बोलते हैं कि मेन पूजा स्थल जो बीच में रहता है और 4 कोनों पे अलग अलग पूजा स्थल रहता है और मेन गेट से बिल्कुल सामने एक पूजा स्थल रहता है और जो मेन मंदिर है उसके सामने एक पूजा स्थल रहता है, इसीलिए इसको नगारा स्टाइल का मंदिर बोलते हैं। ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है। और ये माना जाता है कि ये सूर्य या शिव का मंदिर होना चाहिए, लेकिन हम जैसे ही मंदिर में गए तो यहाँ पर अंदर मेन शिवलिंग रखा हुआ था, इसीलिए हम मानेंगे कि ये शिव का मंदिर है। ये पहले से ये शिवलिंग है या बाद में रखा है वो मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह का बोलते हैं कि ये सूर्य या शिव दोनों में से किसी एक का मंदिर है। और पुरातत्व विभाग ने ये अभी ये पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, फिर से इसको जोड़ा गया है। पूरी डिजाइन वही रखी है जो मंदिर की ओरिजिनल डिजाइन है, लेकिन जो मूर्तियां और ये जो पत्थर है अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहुत शांत जगह पर ये मंदिर है। आप यहाँ आएंगे तो टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन जो भी द्वारका से नागेश्वर जा रहे हैं तो उनको विनती है कि यहाँ पर भी आप आके ये मंदिर देखें। ये मंदिर किस राजाओं ने और बनाया, ये पूरा इतिहास अभी इतना मालूम नहीं है, लेकिन 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है वो पुरातत्व विभाग ने कंफर्म किया हुआ है। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।